Good morning, everyone. Continuing with our next topic, behavior of Indian consumer. जो इंडियन इकोनॉमी है वो बेसिकली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है. जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो विलेजेस में रहती है, स्मॉल टाउन्स में रहती है, जहाँ पर लोग इलिटरेट हैं, लेस एजुकेटेड हैं, और मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्ट सेलर्स हैं वो डोमिनेट करते हैं मार्केट को. जबकि ऑन द अदर हैंड, विद द इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ लेबर टूवर्ड्स इंडस्ट्रीज, जो चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न है इंडियन इकोनॉमी का, वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है मार्केटर्स के लिए. ड्यू टू डाइवर्सिटी इन सोशल सिस्टम, कस्टम, रिलीजन, लैंग्वेज, फूड हैबिट, कल्चर, सब कल्चर एक्सेट्रा, जो बिहेवियर है इंडियन कंज्यूमर्स का वो यूनिफॉर्म नहीं है. तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इंडियन कंज्यूमर्स के बिहेवियर में आप फाइंड आउट करते हैं? पहला है बार्गेनिंग. इंडियन कंज्यूमर्स बार्गेनिंग बहुत करते हैं, प्रेफर करते हैं बाय करना गुड्स रिड्यूस्ड प्राइजेस पर. इसीलिए जो सेलर्स हैं वो एक यूनिफॉर्म प्राइस पॉलिसी को फ्रेम नहीं करते हैं. रूरल मार्केट्स में ये ट्रेंड है कि लोग बार्गेनिंग करेंगे, लेकिन अब अगर एट प्रेजेंट देखें तो जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ की पॉपुलेशन प्रेफर करती है कि वन प्राइस पॉलिसी होनी चाहिए सेलर की, वो बार्गेनिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं. देन नेक्स्ट इज योर प्राइस कॉन्शियसनेस. बिकॉज ऑफ लेस इनकम इन द एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, जो इंडियन कंज्यूमर है वो फोकस करता है प्राइस पर इंस्टेड ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. वो प्रेफर करते हैं परचेज करना लो प्राइस प्रोडक्ट, ये जानने के बाद भी कि उसकी क्वालिटी लो है. लेकिन स्टिल चेंज आया है कंज्यूमर्स के एटीट्यूड में. जो कंज्यूमर्स अर्बन एरियाज में रहते हैं वो क्वालिटी कॉन्शियस हैं, वो परचेज करते हैं क्वालिटी गुड्स को इवन एट हायर प्राइस. देन इज ब्रांड कॉन्शियसनेस. क्योंकि लेस एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है, वो अनअवेयर हैं स्टैंडर्ड ब्रांड नेम से प्रोडक्ट के, तो वो प्रोडक्ट से कंसर्न है, ब्रांड नेम से कंसर्न नहीं है. लेकिन विद द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड मींस ऑफ कम्युनिकेशन, जो बिहेवियर है इंडियन कंज्यूमर का वो चेंज हो रहा है. अब वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेना पसंद करते हैं, ब्रांड लॉयल्टी वो डेवलप करते हैं रिप्यूटेड मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट्स की. देन नेक्स्ट इज योर कंप्लेनिंग. जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं वो लेस कंप्लेन करते हैं, वो बिलीव करते हैं कि जो सेलर अगर चीट कर रहा है तो गॉड उन्हें अपने आप पनिश करेगा. वो इनोसेंट और इलिटरेट पीपल हैं, उन्हें लॉ नहीं पता है, उन्हें राइट्स नहीं पता है कंज्यूमर की. लेकिन विद द एक्सपेंशन ऑफ कंज्यूमरिज्म, जो कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं अपनी राइट के बारे में, कंप्लेंट्स वो करते हैं थ्रू मीडिया रिप्रेजेंटेशन बिफोर कंज्यूमर फोरम्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. द नेक्स्ट इज रोल ऑफ वुमेन. जो रोल है वुमेन का वो इंक्रीज हुआ है पर्टिकुलरली बाइंग डिसीजन में एंड बाइंग फ्रॉम दी मार्केट के लिए. तो जो वुमेन है जनरली इंटरेस्टेड होती हैं वेराइटीज में और प्रेफर करती हैं गुड लुकिंग प्रोडक्ट्स को. देन नेक्स्ट इज चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न. बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एजुकेशन, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड डिजायर फॉर मोर कम्फर्ट, जो पैटर्न है कंजम्पशन का वो चेंज हुआ है. डिमांड फॉर कलर टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, कूलर, एयर कंडीशन, म्यूजिक सिस्टम, वॉशिंग मशीन, ये इंक्रीज हो रही है डे बाय डे. जो इंडियन कंज्यूमर है अब वो ज़्यादा डिजायर करते हैं कंफर्ट और लग्जरी प्रोडक्ट्स को. देन नेक्स्ट इज गारंटी. इंडियन कंज्यूमर ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं गारंटी और वारंटी में. वो प्रेफर करते हैं उन प्रोडक्ट्स को परचेज करना जहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है वो गारंटी देता है रिगार्डिंग क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट. द नेक्स्ट इज क्रेडिट. क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो कंज्यूमर को हेल्प करती है इवन वो गुड्स बाय करने के लिए जो वो अपने करंट कैश रिसोर्सेज से बाय नहीं कर सकते. तो ये जो फैसिलिटी है वो इंक्रीज करती है ट्रेड को, और जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं वो बाय करते हैं उन प्रोडक्ट्स को जो उन्हें अवेलेबल है क्रेडिट पे, क्योंकि जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम होती है उनकी जो डिमांड है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की उसको फुलफिल करने के लिए. तो जो इंडियन इकोनॉमी है सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर इकोनॉमी है, तो बहुत स्कोप है सभी टाइप्स के गुड्स और सर्विसेज के लिए,
प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर की हेल्प करती है कंज्यूमर के मोटिव्स को लर्न करने में, नीड्स को लर्न करने में, जो सर्व करती है एज अ फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट। तो जो फर्म है उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए कंज्यूमर बिहेवियर, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है उनका कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन द इंडियन मार्केट्स वो अचीव कर सके। तो ये था हमारा चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर का। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, उसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।